कुत्ता भेड़िया कुल की एक प्रजाति है। यह मनुष्य के पालतू जानवरों में सबसे वफादार होता है। कुत्ते को पालने का रिवाज लगभग 10,000 साल पहले से है। इस समय मानव केवल शिकारी के लिए कुत्ते को पालते थे, पर आज के समय में लोग अपनी रक्षा और शान शौकत को दिखाने के लिए कुत्ते को पालते हैं। कुत्ता अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होता है कि वह अपनी जान भी दे देते हैं। पृथ्वी पर लगभग 340 नस्ल के कुत्ते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक केवल USA में 10 करोड़ से भी ज्यादा पालतू कुत्ते हैं। इन कुत्तों की मांग इतनी ज्यादा है कि आर्मी से लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अपराधियों को पकड़ने में इन कुत्तों की मदद लेती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक नस्ल वाले कुत्तों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल नस्ल के कुत्ते दुनिया में सबसे खतरनाक कुत्ते होते हैं। इनके आक्रामक व्यवहार पर काबू पाने के लिए इसे एक खास तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी आक्रामकता के कारण कई देशों ने इस कुत्ते को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस कुत्ते को सबसे ज्यादा अमेरिकी लोग पालते हैं। इसका वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। साल 2015 में सिर्फ अमेरिका में पिटबुल कुत्ते के हमले से 28 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के लोग इस कुत्ते को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड जैसे 12 देशों में पिटबुल नस्ल वाले कुत्ते को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिटबुल कुत्ते का जीवन काल 8 से 15 वर्ष तक होता है। इस नस्ल वाले कुत्ते की कीमत 30,000 से 50,000 के बीच है। नंबर 2, जर्मन शेफर्ड। पुलिस या कुत्तों के रूप में पहचान बना चुका जर्मन शेफर्ड दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है। इनका वजन 30 से 40 किलो तक होता है। यह लोगों पर 108 किलो के दबाव से हमला करता है, जिसके बाद बच पाना मुश्किल है। मिलिट्री फोर्स में जर्मन शेफर्ड को ही रखा जाता है, क्योंकि इनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। दूसरे कुत्तों की अपेक्षा जर्मन शेफर्ड ज्यादा वफादार, ताकतवर और समझदार होते हैं। पुलिस ज्यादातर इस कुत्ते का इस्तेमाल खोजी कुत्ते के रूप में करते हैं। जर्मन शेफर्ड का जीवन काल 10 से 13 वर्ष तक होता है और इसकी कीमत 55,000 से 1,40,000 रुपए के बीच है। नंबर 3, रॉटवीलर। इस प्रजाति के कुत्ते शक्तिशाली तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही बहुत तेजी से किसी को काटने में माहिर भी होते हैं। इसका वजन 35 से 60 किलो तक होता है, लेकिन यह लोगों पर 148 किलो के दबाव से हमला करता है। रॉटवीलर इतने गुस्सेल स्वभाव के होते हैं कि अगर अपनी पूरी ताकत से किसी इंसान को काट दे तो उसकी जान जाना तय है। इसी कारण यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में रॉटवीलर को घर पर पालना बैन है। हालांकि भारत में यह बैन नहीं है। इस कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि गुस्से में यह किसी पर भी हमला कर सकता है, फिर चाहे वह शेर ही क्यों ना हो। रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते का DNA भेड़िए के DNA से 99% मैच करता है। इस नस्ल वाले कुत्ते का जीवन काल 8 से 10 वर्ष तक होता है। इस नस्ल वाले कुत्ते की कीमत 80,000 से 1,50,000 के बीच है। नंबर 4, डाबरमैन पिंसर। इस प्रजाति के कुत्ते भी पुलिस के कुत्ते होते हैं, पर साधारण लोग भी इसे अपने घरों में पालते हैं। यह खतरनाक कुत्ता अनजान लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाता है। यह अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। यह धोनी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। इनकी कद काठी भी बहुत विशाल होती है। इस नस्ल की खोज 1890 में की गई थी। डाबरमैन पिंसर का वजन 34 से 45 किलो के बीच होता है। हालांकि कई देशों में इसे पालना बैन कर दिया गया है। इस नस्ल वाले कुत्ते का जीवन काल 10 से 12 वर्ष तक होता है और इसकी कीमत 55,000 से 70,000 के बीच है। नंबर 5, बुल मास्टिफ। बुल मास्टिफ आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है। इसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। यह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहना पसंद करता है। इस नस्ल वाले कुत्ते का जीवन काल 8 से 10 साल तक होता है। इस नस्ल वाले कुत्ते की कीमत 80,000 से 1,00,000 रुपए के बीच है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।